दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। हाई ब्लड प्रेशर में क्या करना है? सबको तो तीन प्राणायाम करने हैं, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधे घंटे, अनुलोम विलोम आधे घंटे, तीन तो रोज करने। और दवा कौन सी खानी है? आयुर्वेद की बहुत सस्ती और बहुत अच्छी एक दवा है दालचीनी, जो अपने घर में ही मिल जाती है, ये खानी है दवा। और दालचीनी कैसे खाएंगे? दालचीनी को धूप में सुखा के पत्थर में पीस लेना, पाउडर बन जाएगा। और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गर्म पानी के साथ खाना, रोज सुबह खाली पेट। और अगर थोड़ा पैसा खर्च करने के लिए है तो इस दालचीनी पाउडर में शहद मिला के खाना, आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर। शहद मिलाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मिलाओगे तो परिणाम अच्छा है, नहीं तो बिना शहद के भी खाओ बीपी तो ठीक ही होगा दालचीनी पाउडर से। तो लो हाई जरूर ठीक है? नहीं, हाई के लिए बोलना, लो के लिए बाद में बताना। तो हाई बीपी ठीक होगा दालचीनी से। और एक दवा है हाई बीपी ठीक करने के लिए, मात्रा आधा चम्मच। नहीं मतलब टोटल कितना, जैसे अपन ने 3 महीने की बताया? हाँ, 1.5 महीने बस, 2 महीने से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। 100 ग्राम 200 ग्राम? अरे नहीं भैया, 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं, आधा चम्मच रोज खाओगे लगभग 150 ग्राम 2 महीने चल जाएगा। एक दूसरी दवा है हाई बीपी के लिए, उसका नाम है मेथी दाना। मेथी दाना ये जो है ना, डायबिटीज भी ठीक करती है, ये हाई बीपी को भी ठीक करती है। इसको आधा चम्मच ले लो मेथी दाने को, 1 गिलास गर्म पानी में रात को भिगो दो, रात भर इसको पड़ा रहने दो पानी, सवेरे उठ के वो पानी पी लो, तो बहुत जल्दी ठीक करता है, 1.5 से 2 महीने में ठीक कर देगा। एक तीसरी दवा है अपने घर में हाई बीपी के लिए, बहुत अच्छी दवा है, उसका नाम है अर्जुन की छाल। अर्जुन का पेड़ होता है छत्तीसगढ़ में, सब जगह मिलता है, क्या कहते हैं? तो ये जो कौहर है या अर्जुन है, इसकी छाल बाजार में मिल जाती है, पत्थर में पीस लो, पाउडर बन जाएगा। आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर गर्म पानी से लेना है, और अगर पैसे खर्च कर सकते हो तो शहद मिला के, नहीं है शहद तो कोई जरूरी नहीं, ऐसे ही लेके गर्म पानी से, ये भी हाई बीपी ठीक करता है। और ये जो अर्जुन छाल है, ये हाई बीपी तो ठीक करेगा, ये हृदय की बीमारियों को भी ठीक कर देगा। हृदय में क्या है, जैसे आपको ब्लॉकेज है, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करो, एंजियोप्लास्टी, 2 लाख खर्च होगा, आप बिल्कुल मत करो, आप ये खाओ अर्जुन की छाल, ठीक कर देगा। और एक दवा बताता हूँ अपने घर में हाई बीपी, लौकी का रस पियो 1 कप हर दिन खाने के। लौकी का रस 1 कप निकालो, उसमें थोड़ा धनिया पत्ता डाल लो, पुदीना पत्ता डाल लो, तुलसी पत्ता और काली मिर्च, 5-6 पत्ता धनिया, 5-6 पत्ता पुदीना, 5-6 पत्ता तुलसी और 3-4 काली मिर्च, ये सब पीस के डालो और 1 कप लौकी के रस में मिला के पियो, लौकी का रस हृदय की बीमारियां भी खत्म हो जाती है। और एक अच्छी दवा बताता हूँ हाई बीपी की, बिल्कुल मुफ्त की दवा है वो, तो बेल पत्र के पत्ते, ये हाई बीपी को भी ठीक करते हैं और ये शुगर को भी ठीक करते हैं डायबिटीज। बेल पत्र के पत्ते 5 को पत्थर में पीस के उसकी चटनी बनाए, फिर उस चटनी को 1 गिलास पानी में डाल के गर्म करो, इतना गर्म करना कि पानी आधा हो जाए, तो ये बहुत जल्दी हाई बीपी को ठीक करता है। मैंने देखा जो 20-20 साल से ब्लड प्रेशर की बीमारी से परेशान थे और रोज दिन में 3-3 बार गोलियां खाते थे, ये बेल पत्र के पत्ते ने सबकी गोली बंद कराई, सबकी दवा बंद कराई और 1.5 से 2 महीने में सबका ब्लड प्रेशर ठीक कर दिया। 20 साल पुरानी बीमारी 1.5-2 महीने में ठीक हो।
प्राणायाम करना है और उसके साथ में इतनी सारी दवाएं। कुछ लोग गलती कर देते हैं, उनको क्या लगता है सब मिला कर खा जाए, मरने की आदत हो जाएगी। भाई एक ही खाना, चाहे तो दालचीनी, चाहे तो मेथी का दाना, चाहे तो अदरक की छाछ, नहीं तो बेल पत्ते के पत्ते का दाना, या तो लौकी का रस, कोई एक ही। और एक सबसे बढ़िया दवा बताता हूँ, बिल्कुल मुफ्त की दवा है, बहुत अच्छी, गाय मूत्र की वो आहार, देशी गाय का आधा कप मूत्र सवेरे खाने पर कोई भी पिएगा उसी का ब्लड प्रेशर ठीक होता है, सबसे जल्दी ठीक होता है। बहुत अच्छी दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।